आयकर विभाग ने एक्सिस बैंक के दिल्ली के कृष्णा नगर ब्रांच को नोटिस दिया है। इस ब्रांच में 12 फर्जी कंपनियों के खाते होने का शक है। नोएडा सेक्टर 51 के सर्वे के दौरान मिली थी ये जानकारी और आयकर विभाग ने कृष्णा नगर के 12 खाते के दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्या जानकारी है? एक्सिस बैंक का जो कृष्णा नगर का ब्रांच है, इसके 12 जो खातों के बारे में जानकारी मिली है, ये 12 फर्जी कंपनियों के नाम पर बनाए गए थे और कई ट्रांजेक्शन हुए हैं। ये जानकारी इनकम टैक्स विभाग को तब मिली जब वो नोएडा के सेक्टर 51 में कल छापेमारी की और वहां पर जो छापेमारी के दौरान इनको कुछ दस्तावेज मिले, उसके बाद एक्सिस बैंक को जो कृष्णा नगर का ब्रांच है इसे नोटिस भेजा गया है और जो 12 खातों की जानकारी मिली है उसके कागजात को जब्त कर लिए गए। इसके अलावा कल दिल्ली के कनॉट प्लेस के पी ब्लॉक में जो एक्सिस बैंक ब्रांच है वहां पर भी आयकर विभाग का छापेमारी हुई थी। वहां पर कई घंटे तक आयकर विभाग के कर्मचारी जो बैंक मैनेजर है उनसे कई पूछताछ की है, तो कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक का जो लगातार ये नेक्सस सामने आ रहा है कि किस तरीके से फर्जी कंपनियां खोली गई और उसके आधार पर ट्रांजेक्शन किए गए, जो नए नोट लिए गए, इन पूरे मामले में लगातार देश भर में जो एक्सिस बैंक के ब्रांच है वहां पर इनकम टैक्स विभाग छापेमारी कर रही है और अभी जो जानकारी मिल पाई उसके मुताबिक कृष्णा नगर का जो ब्रांच है उसे नोटिस दिया गया है। 12 फर्जी कंपनियों का जो खाता है उसकी जानकारी मिली है। राजू, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।